बरसी के दौरान एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दोपहर 1 बजे दो दर्शक दीर्घा से एक दर्शक नीचे संसदों के बीच कूद गए और नारेबाजी करते हुए संसदों के बीच पहुंच गए। दर्शकों को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। घटना के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों को मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद की कार्यवाही को देखने के लिए पास मुहैया कराया था। प्रदर्शन करने वाले एक शख्स की पहचान सागर शर्मा के तौर पर हुई है। वहीं इसके अलावा संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवक और युवती को भी गिरफ्तार कर संसद के थाने में लाया गया है। युवक की पहचान महाराष्ट्र निवासी अमोल शिंदे और युवती की पहचान हरियाणा निवासी नीलम के तौर पर हुई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने घटना की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि दो लोगों को पकड़ा गया है, प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। वहीं साधारण धुआं था, चिंता की कोई बात नहीं है, समय पर पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने सभी सदस्यों के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर दिए जाने वाले सुझावों पर अमल किया जाएगा। लोकसभा में घटी घटना के संबंध में कांग्रेस सांसद पीआरती चिदंबरम ने बताया कि अचानक करीब 20 साल के दो युवक दर्शक दीर्घा से सदन में कूद पड़े और उनके हाथ में कनिस्टर थे। इन कनिस्टरों से पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नारे लगाए, धुआं जहरीला हो सकता था, यह सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। खासकर 13 दिसंबर को जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बाहर इसलिए कहा नारेबाजी।